हमीरपुर की युगा गर्ल निधि डोगरा ने एक बार फिर से युगा में नाम चमकाया है। गत दिनों सोलन में संपन्न हुई प्रदेश स्तरीय मल्टी टैलेंट रियलिटी शो हिमाचल गॉट टैलेंट में जूनियर कैटेगरी में योग में विजेता बनी है। 7 प्रतियोगिता में ऑलराउंडर का खिताब भी जीता है। हमीरपुर पहुंची निधि ने अपनी जीत पर खुशी जताई है और जीत का श्रेय अपने पापा शशि कुमार को दिया है। निधि के पिता शशि कुमार ने बताया कि सोलन में आयोजित हुई प्रतियोगिता 10 नवंबर को संपन्न हुई है, जिसमें निधि डोगरा ने योग कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि ऑलराउंडर ट्रॉफी में भी निधि डोगरा ने ही जीता है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निधि की मेहनत रंग लाई है। निधि ने बताया कि हिमाचल गॉट टैलेंट में योग में बढ़िया प्रदर्शन करके वह पहले स्थान पर रही है और इसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिस भी की थी। उन्होंने बताया कि अपने पापा से योग सीखकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूं। निधि ने बताया कि रोजाना 3 घंटे तक योगा की प्रैक्टिस करती हूं। गौरतलब है कि निधि डोगरा में नन्ही सी उम्र में दर्जनों पुरस्कार योग कैटेगरी में जीत लिए हैं और स्टेज पर निधि डोगरा के योग क्रियाओं को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। निधि डोगरा के मल्टी टैलेंट शो को जीतने के बाद गांव में भी खुशी की लहर है। सरकाघाट की गाहर पंचायत में देव आस्था के नाम पर क्रूरता का शिकार 21 वर्षीय बुजुर्ग राजदेई से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर में मिलने के लिए पहुंचे। हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में अपनी बेटी के यहां पीड़ित बुजुर्ग राजदेई ने मिलकर मुकेश अग्निहोत्री से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बुजुर्ग पीड़िता के साथ बेटी भी फूट फूट कर रोती नजर आई और न्याय की गुहार लगाने लगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी जिला में बुजुर्ग के साथ घटी घटना पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस घटना के बाद संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे देवभूमि के नाम से जानने वाला प्रदेश शर्मसार हुआ है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में ऐसी घटना घटी है और इस कृत्य के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसी है। उन्होंने कहा कि गांव में घटना को मिल बैठकर निपटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके सरकार की कानून व्यवस्था की भी पोल खुली है। सोलन में धूमधाम से गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। शहर के सभी गुरुद्वारों में सिख समुदाय के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। गुरुद्वारों में जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया। सभी सिख गुरु चरणों में हाजिरी लगाकर अपने मंगल भविष्य की कामना करते नजर आए। गुरुद्वारों में हिंदू हो या सिख, सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर प्रकाशोत्सव मनाकर भाईचारे का संदेश देते दिख रहे हैं। सुबह से ही गुरुद्वारों में सप्त कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिख समुदाय के लोग योगेश सेठी पिंकी साहनी ने सभी शहर वासियों को गुरु पर्व की बधाइयां दी और कहा कि प्रत्येक वर्ष गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाते हैं, इसी वर्ष भी इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मार्ग हमें गुरु नानक देव ने दिखाया है, सभी लोग उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सोलन के सभी गुरुद्वारों में सप्त कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और अटूट लंगर भी लगाए जा रहे हैं।